इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। छोड़ पढ़ाई, पकड़ लो कढ़ाई, मिलकर तलो पकौड़ा। छोड़ पढ़ाई, पकड़ लो कढ़ाई, मिलकर तलो पकौड़ा। अब युवाओं के सपने बिखरने लगे, करके बीटेक एमटीएस ग्रुप भरने लगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम। ऐसा पहली बार हुआ है कि मुल्क के वजीर आजम की यौम पैदाइश को बेरोजगार दिन मनाया गया हो। वैसे भी जब से मोदी हुकूमत इख्तदार पजीर हुई है, कुछ ना कुछ ऐसे फैसले लिए गए हैं जिससे देश की तरक्की के बजाय तनजुल की तरफ ही बढ़ता गया है। गोदी मीडिया ने जाहिर है इस पर कोई रिपोर्ट बनाना मुनासिब नहीं समझा, पर भारत के मुख्तलिफ शहरों में यौम पैदाइश मोदी को बेरोजगार दिन के तौर पर मनाया और हुकूमत के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार किया। लाखों नौजवानों ने इस मौके पर मोदी के रोजगार को लेकर जो वादे किए थे इसे याद दिलाते हुए कहा कि बजाय रोजगार के बेरोजगारी इंतहा पर है। सैकड़ों नौजवान रोजी रोटी न होने की वजह से खुदकुशी कर रहे हैं, कारखानों को अब तक ताले लगे हुए हैं, मजदूर बेबस हैं, गरीबी महंगाई अपनी तारीखी मियार पर पहुंची हुई है। देश की मईशत का तो हाल शायद कभी हमने इससे पहले सुना होगा, इतना जमीन में धसी हुई है। कुछ अंधभक्त आज भी प्रधानमंत्री के पैदाइश के दिन मिठाई तकसीम तो कर रहे हैं, पर सिवाय कुछ अंधभक्तों के अब आवाम समझने लगी है मोदी हुकूमत ने इख्तदारी का यानी पहले 5 साल बाद अपना दूसरा दौर भी जारी रखा हुआ है, जिसमें देश की आवाम बेहाल हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा करने वाली मोदी हुकूमत 2 करोड़ बेरोजगारों को पैदा कर चुकी है। लिहाजा पूरे मुल्क में एहतजाज किए गए और मोदी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी फरमाई गई। अब तो मोदी हुकूमत में भी मुखालिफत जारी हो चुकी है, जिसका नतीजा ही कह सकते हैं कि पंजाब की हरसिमरत कौर बादल ने अपना इस्तीफा दिया हुआ है। हरसिमरत कौर का कहना है कि किसानों के खिलाफ पास किए बिल की मुखालिफत में इस्तीफा दिया हुआ है। जो भी हो, पर अब हुकूमत ने गलत फैसलों के खिलाफ आवाज उठाना भी शुरू किया हुआ है। सभी जानते हैं कि तमाम नाकामी को कोरोना के गले में बांधने का काम हुकूमत कर रही है। आने वाले दिनों में भारत की हालत और भी खराब हो सकती है, ऐसा इल्मी दानिशोरों का कहना। और इसी नाकामी को छिपाने के लिए, आवाम के जहनों को मुंतशिर करने के लिए कभी कंगना कभी सुशांत सिंह जैसे फिजूल मौजुओं पर सुबह शाम डिबेट की जा रही है। देश भुखमरी की कगार पर पहुंच चुका है। हर रोज 350 लोग बेरोजगारी की वजह से खुदकुशी करने की बात कही जा रही है। देश में मोदी हुकूमत के खिलाफ आवाम में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन, ये ऐसे फैसले साबित हुए हैं जिससे मुल्क को बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी की खाई में धकेल दिया है। झूठ बोलकर हर रोज गुजारा नहीं हो सकता। किसी तरह हर नाकामी को कांग्रेस, नेहरू, गांधी को जिम्मेदार ठहराया गया। अब आवाम ने भी कुछ दिनों तक इस बात को भी बर्दाश्त कर लिया। हर गलती को कांग्रेस के सर मारकर अपना दामन बचाना अब मोदी शाह को महंगा साबित हो सकता है। आवाम का कहना है कि जो भी गलतियां कांग्रेस ने की होगी, लिहाजा तुम्हें इसलिए तो जिता कर नहीं दिया था कि 2 निवाले हमारे मुंह से भी छीन लो। हर बात में नया जुमला आवाम की समझ में आने लगा है। नौजवानों के पास डिग्रियां तो है पर नौकरियां नहीं है। पहले से जो मजदूर कारखानों में काम कर रहे थे अब वो बेकार हो चुके हैं। नौकरियां न होने की वजह से नौजवान जुर्म के रास्ते पर चल पड़ने का डर है। बच्चों के स्कूल बंद हुए हैं तो बच्चे मजदूरी की तरफ बढ़ रहे हैं। पेट में अनाज और हाथ को काम न होने की वजह से कई खानदान खुदकुशी करने पर मजबूर हो रहे हैं। गोदी मीडिया सत्ता को सवाल पूछने के बजाय विपक्ष को ही सवाल करती दिखाई दे रही है। और अब तो कुछ मीडिया वालों ने सीधा गुंडागर्दी का रवैया इख्तियार किया हुआ है। अर्णब गोस्वामी, जिसने पत्रकारिता की अजमत को ही मटिया मेल कर दिया है, गुंडों की जबान बोल रहा है। महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे को दो हाथ करने की बात करता है, तो दूसरी तरफ सुदर्शन चैनल का सुरेश चौहान के यूपीएससी इम्तिहान में मुस्लिम तलबाओं के पास होने पर सवाल उठाते हुए यूपीएससी जिहाद कहता है। भले अदालत ने इस प्रोग्राम पर पाबंदी लगा दी गई हो, पर सवाल यह उठता है कि इनके सर पर आखिर हाथ किसका है? पत्रकार क्या आप गुंडों की जबान बोलने लगेंगे? आखिर इन्हें हिम्मत आती कहां से है? देश का निजाम ही धरम भरम हो चुका है। अगर आमिर खान, नसीरुद्दीन शाह कुछ कहते हैं तो फौरी तौर पर देशद्रोही कहा जाता है। और अगर कंगना
अगर बंबई को पीओके कहती है तो वो तो राष्ट्रवादी बन जाती है। देश नहीं बिकने दूंगा, नहीं देश नहीं झुकने दूंगा का नारा लगाने वाले आज चीन के सिर्फ लद्दाख में 1000 किलोमीटर दाखिल होने पर मोदी हुकूमत खामोश है। सिर्फ भारतीय मीडिया में ही मुंह तोड़ जवाब दिया जाता रहता है और जमीनी हकीकत कुछ और है। चीन का बहिष्कार करने की बात तो सरेआम होती है, वही चीन से कर्जा लेने से भी मोदी हुकूमत नहीं चूकती। भाजपा वजीर अनुराग ठाकुर ने ही भारत ने चीन हिमायती बैंक से 9000 करोड़ का कर्जा लिया गया है, क्या यह देश के साथ धोखा नहीं है? क्या आवाम को आप चीन के बारे में अलग इत्तला देते हो और हकीकत में कुछ अलग है? कईयों का कहना है कि चीन से दुश्मनी महज धोखा तो नहीं, ताकि जमीन में धसी मईशत को किसी और दिशा में मोड़ने की कहानी बनाई जा रही हो। क्या 1000 किलोमीटर चीन फौजियों का दाखिल होना मोदी हुकूमत की शिकस्त का हिस्सा तो नहीं? आखिर 1000 करोड़ का कर्जा चीन हिमायती बैंकों से लेने की क्या जरूरत पड़ी? ऐसा सवाल भी उठा जा रहा है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कहा कि भारत की मासूम आवाम को चीनी चीजों का बायकॉट करने को कहना और खुद 1000 करोड़ रुपए चीन से ले लेना मैं देश के साथ धोखा है। एक तरफ सरहदों का मामला इस तरह का है तो दूसरी तरफ देश को बेचने का आजम शायद मोदी हुकूमत ने किया है, ऐसा विपक्ष का कहना है। मोदी हुकूमत ने तमाम भारत की बड़ी कंपनियों का निजीकरण किया है, भारत पेट्रोलियम, LIC, ONGC, भारतीय रेल, इंडियन एयरलाइंस। लिहाजा इस निजीकरण से बेरोजगारी में इजाफा होता जा रहा है। मुल्क में 17 सितंबर को वजीर आजम मोदी का यौम पैदाइश था और इसीलिए बेरोजगार दिन मनाया गया और इसे लाखों लोगों ने ट्वीट के जरिए अपने जज्बात का इजहार किया। #NationalUnemployment डे भले टीवी पर कंगना रनौत सुशांत का खेल तमाशा चल रहा हो, पर हकीकत यह है कि देश में बेरोजगारी का लावा उबल रहा है और वो किसी भी वक्त फट सकता है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।